नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेब चौपाल पर। दोस्तों, टीवी एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म जो कि मुफ्त में भी है और उसमें कई क्वालिटी प्रोग्राम्स आ चुके हैं। बात करें पिक्चर्स की, या बात करें कोटा फैक्ट्री की, या बात करें आज रिलीज हुए फादर्स, जिसका ये सीजन 2 आज प्रीमियर हुआ है। और सीजन 1 फादर का बहुत ज्यादा ठीक ठाक चला भी था, जो कि उम्रदराज पेरेंट्स, खासकर जो पिता होते हैं, वो सब अपने बच्चों के साथ अच्छा संवाद और अच्छे संबंध रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये हमने सीजन 1 में देखा था। और उसी थीम पर फादर्स का सीजन 2 आज रिलीज हुआ है, जिसके 5 एपिसोड हैं और 4 एपिसोड 10 से 12 मिनट के हैं और आखिरी यानी 5वां एपिसोड 18 मिनट का है। ये एक अच्छी हल्की फुल्की कॉमेडी है, जो कि कहानी कहती है श्रीवास्तव, यादव और मेहता जी की, ये जिनकी भूमिका निभाई है मनोज जोशी, वीरेन सक्सेना और राकेश बेदी ने। और ये लोग अपने आप को अपडेट रखने के लिए कैसे सोलो ड्राइव, पबजी गेम, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में अपने आप को अपडेट साबित करने के लिए क्या क्या खुरापात करते हैं। इसके अलावा आखिरी एपिसोड में एक जो सिंगल पेरेंट्स रहता है, उसको जीवन साथी की तलाश रहती है, तो इस विषय को भी बहुत संवेदनशीलता के साथ आखिरी एपिसोड में दर्शाया गया है। और इसके अलावा पबजी खेलते हुए दिखाया गया है, इनको टैटू करवाते हुए दिखाया गया है, तो कैसे ये अपने आप को अपनी जो अगली पीढ़ी है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कितनी ज्यादा रस्साकसी करते हैं, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से चुटीले, हल्के फुल्के और वन लाइनर पंचिंग जो डायलॉग रहते हैं, जो आपको गुदगुदाने पे मजबूर कर देते हैं, इस तरह के थीम के साथ ये वेब सीरीज बनी है। और ये एक अच्छी वेब सीरीज है, तारीफ करनी होगी इस वेब सीरीज के जो राइटर्स हैं, उनकी राइटिंग बहुत शार्प है। जतिन और प्रकाश, काफी मेहनत की है उन्होंने और उनका राइटिंग कंटेंट अच्छा है। बात करें निर्देशन की, तो इस वेब सीरीज का निर्देशन किया है प्रेम मिस्त्री ने और उनका काम बहुत शानदार है। उन्होंने सारे किरदारों से अच्छा काम लिया है, घटनाओं को बहुत ही मनोरंजक ढंग से दिखाने में वो कामयाब हुए हैं। और आज जो चल रहा है, जो ट्रेंड में है सारी चीजें, वो उसकी नब्ज पकड़ने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं और दर्शक को हंसाने में भी कामयाब रहे हैं। बात करें हम अभिनय की, तो चाहे वो वीरेन सक्सेना हो, चाहे वो मनोज जोशी हो, चाहे राकेश बेदी हो, ये हम सब जानते हैं कि ये सब बहुत ही मजे हुए पुराने कलाकार हैं और ये लोग किसी भी सीन में जान डाल सकते हैं और इनकी आपस की केमिस्ट्री देखते ही बनती है और दर्शक इनकी एक्टिंग से अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाते। तो एक उम्दा पारिवारिक वेब सीरीज है। इसके अलावा एक चाय वाले की भी इसमें भूमिका है, दीपेश जगदीश ने, जो कि फ्लेम्स में भी दिखते हैं और उनका काम भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से निभाया है। तो इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 5 में से 3 स्टार। दिवाली की छुट्टियों में आप इसको देख सकते हैं। आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं TVF और MX प्लेयर पर। आपकी इस वेब सीरीज और इस रिव्यू के बारे में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। और हाँ, शायद आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।